हाय दोस्तों, कैसे हो? और मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। और चल रही है सुबह की शुरुआत, और बेटी जा रही है काम पे। बेटी ऑफिस के लिए तैयार हो गया है, इसने आ घूमने जाना है। बल बाय, ठीक से जाना, ध्यान रखना, फोन करना। सुबह की शुरुआत ऐसी होती है, सारा काम फैल रखा है। अभी कुछ नहीं कर रखा है, अभी उठ के सीधा इसकी तैयारी करी कि इसके लिए चाय बनाई और पराठे बनाए इसके लिए। और इसने बोला मैंने लंच नहीं ले जाना है, और तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लंच नहीं ले जाना है तो घर पर नाश्ता करके जाएगी। और वो ऑफिस के तरफ से ले जा रहे हैं बल घुमाने के लिए, बोल रहे थे 10 बजे पहुंचना है वहाँ। जब 10 बजे पहुंच जाएंगे तब जाके वहाँ खाना मिलेगा, और अगर लेट हो जाएगी तो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम से पहुंच भी जाओगे तो भी ठीक है, और लेट हो जाएगी तो नाश्ता करके जाओ। तो नाश्ता करके चल भेज दिया उसको, लंच नहीं दे रखा है। और 2 टाइम का खाने का वो अब एक टाइम लंच हो गया, एक टाइम वो हो गया, एक टाइम का नाश्ता, एक टाइम का लंच हो गया। और तो चले गए, अब मेरा ये काम हो गया। और अब हम अपना आराम से चाय बनाएंगे। हमने मतलब मैंने तो 2 बार पी ली, और बेटा मेरा अभी उठ रहा है, उसके लिए मैंने अभी चाय नहीं बना रखी है। उसके पापा ने भी 1 बार की चाय पी ली, तो मैं दूसरी बार चाय बनाती हूँ। दूध भी गर्म नहीं कर रखा है, मैं दूध गर्म करती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आ रही हूँ नोएडा में, और यहाँ का नज़ारा ऐसा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो यहाँ। आप लोग भी देख लो, ये मेरी भाभी है, थोड़ा इधर देखना जरा, ये मेरी भाभी है। और मैं इनके वहाँ अपने भैया भाभी के वहाँ आ रखी हूँ आज, और राखी देने के लिए आई थी मैं। और तो भैया की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मेरे को मिलने की बहुत चाहत हो रही थी, तो बड़े मुश्किल से टाइम निकाल के मैं आज यहाँ पर आ रखी हूँ। इधर उधर बिल्कुल भी जाया नहीं जाता है, और आज नोएडा के दर्शन हो गए हैं। फिर आप पता नहीं कितने साल में मैं आऊंगी यहाँ, कोई पता नहीं है। यहाँ पे ये मेरे भतीजे की लड़की है, और ये मेरा भतीजी के बेटा है, ये छोटा गुट्टा, और ये बड़ा बेटा मेरा है, इसको तो देखते ही होंगे आप लोग। वहाँ पर मेरी भतीजी खड़ी है दरवाजे के सामने, इसका बेटा है ये, और 5 महीने का हो गया है ये। और इसने अकेली मतलब इसके देख रेख कर रखे है, बहुत अच्छा बना रखा है, मैं भी बहुत खुश हूँ। हेलो, क्या हाल है? हाय, अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो, आ जा। हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। और 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई है आप लोगों को। और मेरी हाय भाभी, क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, बोलो कुछ। हाय भाभी जी, पूरी और आलू। पूरी और आलू, अच्छा। और आज हमारे आने की खुशी में बना रहे हो क्या पूरी आलू? थोड़ा तेज से बोलो। नाची भी आया है। अच्छा, चलो थैंक यू फिर। और यहाँ पे ये 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, ये गुब्बारे फुला रहे हैं, थोड़ा देर के बाद जाएंगे छत में, और वहाँ तिरंगा झंडा फहराएंगे, और वहाँ गुब्बारे लगाएंगे, और बच्चे भी आएंगे अभी, तो
जब सारे बच्चे आ जाएंगे और तो वहाँ टॉफी बांटी जाएगी और झंडा फिराया जाएगा और ताली बजेगी। अभी ये बहुत सारे पतंग लेके आए हैं और जब अभी थोड़ा देर के बाद दिखाएंगे और मैं पतंग दिखाना भूल गई आपको। मैं आ रही हूँ, मैं अपने दूसरे नंबर के भाई के वहाँ आ रही हूँ बदरपुर में और मैंने 2 दिन की छुट्टी ले रखे हैं अपने पति से और इजाजत लेके आई हूँ 2 दिन के लिए, राखी देने के लिए आई हूँ। और तो आप 15 अगस्त की खुशियाँ भी हो गई है और 15 अगस्त में थोड़ा मैं भी आजाद हो गई क्योंकि मैं मैके आ गई हूँ। मैके में थोड़ा सा आजादी मिली जाती है और ससुराल से जब मैके जाते हैं तो थोड़ा लड़की को थोड़ा आजादी मिल जाते हैं, खुल करके अपने दिल की बातें मैके वालों को बताते हैं, मैके वालों के दिल की बातें सुन लेते हैं। और इन्होंने भी ये नया घर ले रखा है, अपना ले रखा है, किराए पर नहीं रहते हैं, अपना घर ले रखा है और ये इनका हॉल है। और मैं अभी बैक कमरे करके दिखाऊंगी इनका कमरे। ये इनका अंदर वाला कमरा है और यहाँ बच्चों ने ये गुब्बारे फुला के यहाँ पर उड़ा रखे हैं और हवा पंखे की हवा से अंदर आ गए हैं। और ऐसा है मेरे भाई का कमरा, माता रानी की फोटो भी लगी है वहाँ पे और ऐसा ऐसे कमरे हैं। ये मेरा तीसरे भाई का बेटा है और ये मेरा बड़ा भाई का नाती है। और नाती कुछ कहना चाहोगे? थोड़ा हाय बोल दो। और थोड़ा मुंडी ऊपर करके यार, तेरी शक्ल कैसे दिखेगी? शाबाश, वेरी गुड। और ये बड़े खुशी से, ये छोटे भाई का लड़का गया था नाती के घर तो वहाँ से इसको लेके आया अपने घर और ये इतने सारे पतंग लेके आए हैं। तो ये पहले 15 अगस्त मनाएंगे, 15 अगस्त मनाने के बाद ये सारे पतंग उड़ाएंगे और जब छत में जाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। हर राज्य के राज्य में निवेशक आएंगे। बुढ़ापा बहुत अच्छा सा कट जाओ। बस ये मेरा सबसे छोटा
भाई का लड़का है, मेरे चार भाई हैं। अरे सबसे छोटा भाई का लड़का है सबसे लंबा हो गया, नाम गुड्डू है। परिवार में सबसे लंबा है, परिवार में ये सबसे लंबा है, लंबू दिमाग का थोड़ा छोटा है, सबसे छोटा है। कोई बात नहीं, जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे ही दिमाग भी आ जाएगा, अकल भी आ जाएगी। और बिजली है या टाइट बैठ जाए, मेरे हाथ को बिजली है टाइट बैठ जाए। सुखी रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और मेरी लड़की को याद करना। मैं बुढ़िया भी बुलाऊंगी तो मेरे ये मत बोलना की तुम मेरा कौन जाएगा वहाँ, ऐसा मत बोलना, मेरे को मिलने के लिए आना। अब वो जमाने चले गए, बोला ये आने वाले टाइम पर तो मुश्किल है। तीन एक साथ गड्डी दूरी आ जा आया चल मनन जाओ उधर जा, हाँ फोटो खींच ले वाले कोई नहीं आता।